प्लान योर फ्यूचर, अपने भविष्य की योजना बनाइए. प्लान योर फ्यूचर, प्लान योर फ्यूचर. अगर जिंदगी की यात्रा की प्लानिंग चाहिए तो ये तो जिंदगी है, ये हमारा फ्यूचर है, इसकी योजना हमें बनानी होगी. तो देखिए बंती कैसे है. योजना का अर्थ है भविष्य को वर्तमान में लाना, ताकि आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकें. अभी पता है दुनिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके पास भविष्य तो है, योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है. प्लानिंग नहीं है, भविष्य है. भविष्य आपका डायमंड बनना, आपका अमीर बनना योजना है, भविष्य है. और योजना इसको वर्तमान में लाती है कि भाई अभी क्या करूं, क्या करूं. इस योजना का नाम है आपके पास गोवा का कॉन्टेस्ट आ गया. आपके पास वर्तमान में कंपनी ने कूपन का कॉन्टेस्ट दे रखा है. आपके पास वर्तमान में अपने अपने ग्रुप में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है. ये योजना अब आपको इस सीढ़ी के ऊपर पहुंचते हुए भविष्य की तरफ ले जाएगी. इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों के सपने पूरे नहीं हुए जिन्होंने योजना नहीं बनाई. सिर्फ योजना नहीं बनाने वाले लोगों के सपने अधूरे रहे, बाकी योजना बनाने वाला कभी कोई अधूरा नहीं रहा. अगला सिद्धांत कहता है, एक योजना वाला मूर्ख भी, लिखने से पहले सुनना, एक योजना वाला मूर्ख भी बगैर योजना वाले प्रतिभाशाली को हरा सकता है. अगर पूरे विश्व से हम ये पूछें कि एक मूर्ख और एक टैलेंटेड, इन दोनों में से कौन जीतेगा, पूरी दुनिया बोलेगी तांबी जी टैलेंटेड जीतेगा, यही तो बोलेगी. लेकिन अगर योजना हो गई मूर्ख के पास, अब टैलेंटेड को हरा देगा, अब हरा देगा. तभी तो अपने गधे वाली स्टोरी में हमेशा घोड़ा हारता है. क्यों हारता है? उसके पास योजना थी, आधा किलो मिर्ची थी. आप और हम सब लोग अगर क्षमताओं में गधे हैं, अगर क्षमताओं में कमजोर है, अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी होने के बाद भी अगर योजना है, हम इतिहास रच सकते हैं सर. और योजना कितनी सिंपल है कि प्रश्न के उत्तर आपको छांट नहीं है, देने नहीं है. जबकि दुनिया के महान लोगों ने तो बेचारे ने जिस दिन सपना पूरा करने की ठानी थी, उस दिन सपने के अलावा कोई सामान नहीं था.